जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी चौपाई बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई सी भी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो आपकी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, रामायण की जो चौपाई हैं बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। अगर इन चौपाइयों को हम पढ़ते हैं या सुनते भी हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी ही चौपाई बताने जा रही हूँ जिसे पढ़ने से आपके सभी रोग और कष्ट और बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अब आप कहोगे कि अगर चौपाई पढ़ने से बीमारियाँ दूर हो जाएंगी तो फिर डॉक्टर का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों, डॉक्टर का फ़ायदा अपनी जगह है। बस अगर आप इस चौपाई को पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर की जो भी दवाइयाँ खाएंगे वो आपके शरीर पर संजीवनी बूटी की तरह असर करेंगी। जिस प्रकार हनुमान जी हिमालय से बूटी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, सेम इस चौपाई का पाठ करने से ये सारी दवाइयाँ भी आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह ही काम करेंगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वो चौपाई कौन सी है जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। और हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन सी चौपाई है। तो दोस्तों, चौपाई कुछ इस प्रकार से है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहुही ही व्यापा। एक बार फिर दोहराएंगे, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई विपत्ति, रोग, पीड़ा कुछ भी नहीं है। यानी इस चौपाई को पढ़ने से हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको रामायण की ये चौपाई पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों का भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।